बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार जमी एंड क्रीमी फ्रूट चाट। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद एप्पल्स, जिनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। बनानास 6 से 7 अदद लिए मैंने, इनको भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ग्रेप्स लिए हैं मैंने 1 पाव, इनको मैंने साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। और अनार लिए हैं मैंने 2 अदद, और इनको मैंने छील लिया है। 1/2 कप मैंने लिया है जी क्रीम, आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 अदद मैंने लिए हैं, 3 से 4 टेबलस्पून मैंने लिए योगर्ट। अच्छा जी, 2 टेबलस्पून लिए मैंने रेड सिरप यानी कि लाल शरबत, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकती हैं। और शुगर लिया है मैंने 3 से 4 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, और 1 पिंच लिया है मैंने सॉल्ट फॉर टेस्ट। अच्छा जी, ये सारे चीज़ें हम लोगों ने लिए हैं। इसके अलावा हम लोग यूज़ कर रहे हैं जी गार्निश के लिए, हम लोगों ने लिए हैं जी कुछ अनार और ग्रेप्स, जो कि हम लोग लास्ट में इसमें ऐड करेंगे। अब हम लोगों ने इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लेंगे योगर्ट और दही लेके इसको हम लोगों ने अच्छा थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर और शुगर। इन तीनों चीज़ों को इसमें हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और एक मिक्स अच्छे तरीके से मिक्स करके हम लोग मिक्सचर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लिया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके हम लोग इसको साइड पर रख देंगे। ये अब तकरीबन हम लोगों का तैयार हो चुका है, अब हम इसको साइड पर रख देंगे। अब हम लेंगे जी अपनी क्रीम, इसको पहले हम लोग थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम लोग रेड जो हम लोगों ने शरबत लिया हुआ था इसको। अच्छा, इससे बहुत प्यारा जो है पिंक कलर का जो है शेड आता है, और बहुत प्यारा लगता है ये कलर। अभी आप देखिएगा कितना अच्छा इसका कलर आएगा। इसको हम लोग मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका पिंक कलर आया है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसको भी साइड पे रख देना है। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैंने लिया है जी 1 बड़ा बाउल, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एप्पल जो हम लोगों ने छोटे छोटे क्यूब्स में काटे हुए थे, एप्पल्स को ऐड कर रही हूँ। एप्पल्स ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जी बनानास, जो कि मैंने काट के रखे हुए थे। आप अपनी मर्ज़ी से भी फ्रूट्स जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जी अब ग्रेप्स, और ग्रेप्स ऐड करने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी अनार। और देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। अच्छा जी, अब हम लोग जितने भी फ्रूट्स हैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पहले आप देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर है, रेड, ग्रीन, वाइट, येलो। अच्छा, हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप अपनी मर्ज़ी के फ्रूट्स बीच में ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर लें। मुझे मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने वो इसमें ऐड किए। अच्छा, फ्रूट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे मिक्सचर जो हम लोगों ने योगर्ट का तैयार किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने 1 पिंच सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 3 से 4 टेबलस्पून शुगर ऐड की हुई थी। हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया ये वाला मिक्सचर। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे क्रीम, जिसमें हम लोगों ने रेड जो है शरबत जो है उसमें ऐड किया हुआ था। आप कोई भी शरबत ले सकते हैं, रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी, कोई भी ले लें, ऐड करते हैं इसमें। और ये देखिए, ये मैंने क्रीम इसमें ऐड कर दी है। और क्रीम ऐड करने के बाद अब इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको मिक्स करेंगे, ताकि क्रीम जो है वो सारे फ्रूट्स में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, और जल्दी से और बहुत इजी क्विक रेसिपी है ये, झटपट तैयार हो जाती है, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। इसमें अच्छा मैंने चाट मसाला यूज़ नहीं किया, बाज़ लोग यूज़ करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं यूज़ किया,
क्योंकि ये वैसे ही बहुत टेस्टी होती है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का जो है इसका टेस्ट होता है और बहुत जल्दी बन जाती है। और यहाँ पे है कि आप कौन से फ्रूट्स बीच में ऐड करना चाहते हैं। और ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए और अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर मैं गार्निश करने के लिए यूज़ कर रही हूँ जी अनार और अंगूर जो मैंने काट के रखे हुए थे, ये इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ। देखें ये कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अच्छा इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है रेड सिरप जो शरबत है वो भी मैंने डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ ऐड करना चाहे कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस वॉच करते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।